नमस्कार, मैं शिवानी। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। 2002 गोधरा में ट्रेन जलाकर 59 लोगों की हत्या करने के मामले में एक दोषी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। दोषी फारूक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वह पिछले 17 साल से जेल में बंद था। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के कड़े विरोध के बावजूद फारूक को जमानत दी है। फारूक जलती ट्रेन पर पत्थरबाजी करने के दोष में पाया गया था। फारूक ने ट्रेन पर इसलिए पत्थरबाजी की थी ताकि जलती ट्रेन से लोग उतर ना पाए और उनकी मौत हो जाए। अरुणाचल प्रदेश में LAC के पास से चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प पर जर्मन राजदूत एकरमैन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि यह एक चिंता का विषय है। यह भी कहा कि विकास के लिहाज से देखें तो भारत के अलावा कोई अन्य देश नहीं है जो चीन का सामना कर सकता है। बिहार सरकार के ऊर्जा सचिव और IAS संजीव हंस की मुश्किल बढ़ सकती है। एक महिला ने बिहार सरकार के अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाया है। साथ में RJD के पूर्व विधायक गुलाब यादव पर भी आरोप लगाए हैं। बीते बुधवार की पीड़ित महिला ने मीडिया के सामने आकर अपना बयान रखा। इस मामले में उसने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने लोन की ब्याज दरें बढ़ाकर अपने करोड़ों ग्राहकों को तगड़ा झटका दिया है। रिजर्व बैंक के रेपो रेट बढ़ाए जाने के बाद से ही यह तय हो गया था कि अब सभी बैंकों का कर्ज महंगा हो जाएगा। इससे पहले भी निजी और सरकारी क्षेत्र के कई बैंक अपनी ब्याज दरें बढ़ा चुके हैं। अब SBI ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट में 0.25% की बढ़ोतरी की है। अंग्रेजी दैनिक द इंडियन एक्सप्रेस में भारतीय खाद्य निगम के आंकड़ों का हवाला देते हुए एक खबर छपी है। इसमें बताया गया है कि FCI जैसी एजेंसियों के पास गेहूं और चावल का स्टॉक तेजी से घट रहा है। बीते 1 अक्टूबर को सरकारी स्वामित्व वाले गोदामों में गेहूं और चावल का स्टॉक 511.36 लाख टन रह गया था। इससे पहले 2017 में स्टॉक घटकर 433.36 लाख टन पर आया था। एक साल पहले ही अपने यहाँ गेहूं और चावल का स्टॉक 816 लाख टन था। जहरीली शराब कांड पर नीतीश सरकार पर भाजपा हमलावर है तो अब सरकार के बचाव में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव उतर आए हैं। तेजस्वी यादव ने गुरुवार को कहा कि शराब जनित हादसों में बिहार से ज्यादा मौतें तो भाजपा शासित गुजरात और मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन उन राज्यों में हो रही मौतों को लेकर कभी भी भाजपा के नेता, वहां के मुख्यमंत्री या गुजरात से आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा नहीं मांगते हैं। वहीं बिहार में भाजपा राजनीति पर कर रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। इस हाईवे के बनने से दिल्ली से मुंबई तक के सड़क मार्ग से यात्रा केवल 12 घंटे में पूरी की जा सकेगी। इस एक्सप्रेसवे की लागत 1 लाख करोड़ रुपए है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कई बड़े शहरों से होकर गुजरेगा। फीफा वर्ल्ड कप में थियो होनार्डेज और रेंडल कोलो मुआनी ने गोल की मदद से फ्रांस ने गुरुवार 15 दिसंबर को कतर अल बयात स्टेडियम में फीफा विश्व कप 2022 के दूसरे सेमीफाइनल में मोरक्को को 2-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही मोरक्को का इतिहास सफर खत्म हो गया है। रांची सदर अस्पताल के लाल बिल्डिंग को झारखंड सरकार का भवन निर्माण विभाग संरक्षित करेगा। कृषि भवन के बाद सदर अस्पताल रांची में दूसरा ऐसा भवन है जिसे सरकार संरक्षित करेगी। झारखंड सरकार ने सदर अस्पताल की लाल बिल्डिंग को स्थानीय हेरिटेज के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पित किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट ने उसके प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है। पिछले साल फरवरी में उसे भारत प्रत्यर्पित किए जाने का फैसला कोर्ट द्वारा सुनाया गया था। बाद में उसे इस फैसले के खिलाफ अपील करने की मंजूरी दी गई थी। बिहार में जहरीले शराब से हुई मौत का मुद्दा संसद में भी उठा है। इस दौरान भाजपा के लोकसभा सदस्यों ने गुरुवार को राज्य में जहरीले शराब से हुई मौतों को सामूहिक हत्या करार दिया है। इस मामले में सदस्यों ने केंद्र से इस घटना के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का भी आग्रह किया। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म पठान अपने गाने बेशरम रंग के चलते विवादों में है। फिल्म के गीत बेशरम रंग को हाल ही में रिलीज किया गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेता चिगुरुपति बाबूराव ने गुरुवार को हाल ही में रिलीज हुए बेशरम रंग गाने पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि पठान देखने से बेहतर है कि किसी भूखे को खाना खिला दिया जाए। केरल में लिव इन पार्टनरशिप ने अपने महिला साथी की हत्या कर दी है। मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि गुरुवार सुबह वाजियाइला के पास एक 47 वर्षीय महिला की लिव इन पार्टनर को दिन दहाड़े हत्या की। मृतका की पहचान सिंधु के रूप में हुई है। उस पर धारदार हथियार से हमला किया गया।
अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 9 दिसंबर के बाद बने हालात और भारत चीन के बीच सैन्य गतिरोध को देखते हुए भारतीय वायुसेना पूर्वोत्तर में बृहस्पतिवार से 2 दिवसीय अभ्यास करेगी। इस अभ्यास में अग्रिम पंक्ति के करीब सभी युद्धक विमान और इस क्षेत्र में तैनात अन्य संसाधन शामिल किए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि सैन्य तैयारियों को परखने के मकसद से भारतीय वायुसेना ये अभ्यास करेगी। अभ्यास का मकसद भारतीय वायुसेना की युद्धक क्षमता को परखना भी है। 36 IAF राफेल विमानों में से अंतिम राफेल भारत पहुंचने के लिए फ्रांस से उड़ान भरने के बाद UAE वायुसेना के टैंकर विमान से ईंधन भरने के बाद भारत में उतर गया है। भारतीय वायुसेना ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में कहा है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक लोक सेवक को दोषी ठहराने के लिए रिश्वत की मांग का प्रत्यक्ष सबूत आवश्यक नहीं और परिस्थितिजन्य सबूत के माध्यम से ऐसी मांग को साबित किया जा सकता है। मृत्यु या अन्य कारणों से शिकायतकर्ता का प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध न होने पर भी PC अधिनियम के तहत लोक सेवक को दोषी ठहराया जा सकता है। उत्तर भारत समेत देश के अधिकतर हिस्सों में ठंड बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में बताया कि इस प्रक्रिया का पालन करने के लिए अगर और माँ बाप रहेंगे तो एक अनाथ बच्चे को गोद लिए जाने के लिए अत्यधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि पिछले 3 सालों में बच्चा गोद लेने की तस्वीर बदली है। पिछले 3 सालों में लड़कों के मुकाबले लड़कियों को अधिक गोद लिया जाता है। बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से हुई मौत को लेकर प्रशांत किशोर ने CM नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून को 48 घंटे के भीतर सरकार को वापस लेना चाहिए। नीतीश का क्या राजतंत्र है कि वो डिप्टी CM तेजस्वी यादव को 2025 में मुख्यमंत्री बना देंगे। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस याचिका के फैसले को सुरक्षित रख लिया है। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना का समर्थन किया है। अब हाई कोर्ट अपने फैसले में यह तय करेगा कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना सही है या नहीं। कर्नाटक के कोप्पल में BJP जिला कार्यालय के उद्घाटन समारोह में BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि एक समय था कि हमें रेस्ट हाउस और सर्किट हाउस में बैठने को नहीं मिलता था और हमारे पास कार्यालय नहीं था। कार्यकर्ताओं के घर से हमारा कार्यालय चलता था। आगामी त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए BJP ने कमर कस ली है। चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। इस बीच BJP ने IPFT के साथ अपना गठबंधन जारी रखने का फैसला लिया है। गठबंधन धर्म को बनाए रखने की लंबी परंपरा पर जोर देते हुए BJP ने गुरुवार को कहा कि वह अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में IPFT के साथ अपना गठबंधन जारी रखेगी। दिल्ली आबकारी नीति में अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के एक मामले में व्यवसायी अमित अरोड़ा को कोर्ट ने 2 सप्ताह के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गुरुग्राम में स्थित बड़ी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अरोड़ा को 28 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में पिछले हफ्ते झड़प हुई जिसके बाद भारतीय वायुसेना पूर्वोत्तर को 2 दिवसीय अभ्यास करने जा रही है। इस अभ्यास में अग्रिम पंक्ति के करीब सभी युद्धक विमान और इस क्षेत्र में तैनात अन्य संसाधन शामिल किए जाएंगे। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ट्विटर वॉल पर लिखा कि ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी सरकार की लाल आंख अब पर चीनी चश्मा लग गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2017 में दहेज से मौत के 7,466 मामले, 2018 में 761 मामले, 2019 में 741 मामले, 2020 में 6,966 मामले और 2021 में 6,753 मामलों की सूचना मिली है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन बुधवार को राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगला साल भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए मुश्किल होगा। राहुल गांधी के साथ बातचीत में राजन ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले साल 5% की विकास दर हासिल करने के लिए संघर्ष करेगी क्योंकि प्रमुख ब्याज दरें बढ़ गई हैं और निर्यात धीमा हो गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर से कश्मीर पंडितों को निशाना बनाया है। दरअसल घाटी में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों का आतंकी संगठन कश्मीर फाइट ने टारगेट किलिंग की धमकी दी है। बता दें कि कश्मीरी पंडितों को इस साल तक आतंकियों द्वारा कई पत्र जारी किए जा चुके हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां पत्र की जाँच में जुटी हुई है। मुंबई में एक विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी के न्यायाधीश ने हाल ही में पिछले 13 वर्षों से अदालत में एक महत्वपूर्ण फॉरेंसिक रिपोर्ट जमा नहीं करके दस्तावेजों को दबाने के लिए NIA की खिंचाई की है। 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में अभियुक्तों से संबंधित आवाज के नमूनों का विश्लेषण हाल ही में सामने आया जब विश्लेषण करने वाले फॉरेंसिक विशेषज्ञ की अदालत ने जाँच की।
भारत के मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में महत्वपूर्ण 86 रन बनाकर टीम को संकट से उबारा है। एक बार गेंद के विकेटों से टकराने के बाद भी अंपायर ने श्रेयस को नॉट आउट करार दिया है। इसका एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि भारत बनाम बांग्लादेश खेले जा रहे टेस्ट मैच में आपको भारतीय टीम की तरफ से किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे बेहतर लगा? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।